हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने जो है कम्युनिटी टैब डाला हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चन है उसमें जो है पिक किए हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को ज़रूर दबा देना। तो आज में कुछ क्वेश्चन थे, पुरानी गाड़ी कैसे खरीदे, ट्रक पुराना कैसे खरीदे, तो उन सब का जो मैं आंसर देने वाला हूँ। तो बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को फुल वॉच करना, एंड तक देखते रहना। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे, आपकी जो है मन की भावना जो है ठेस पूरी नहीं होगी और ना ही अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सुलेमान मिर्जा का, भाई ट्रक का जजमेंट कैसे बनाएं। तो देखिए भाई साहब, मैंने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के अंदर इतनी वीडियो डाल रखी है जजमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि गाड़ी का जजमेंट कैसे बनाएं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विवेक राजपूत का, प्रैक्टिकली वीडियो बैक अपील पर। अब ये कहते हैं विवेक राजपूत जी कि भाई प्रैक्टिकली वीडियो बनाइए बैक करते हुए, पहाड़ पर चलाते हुए, या फिर जो भी कुछ करना है वो प्रैक्टिकल करके दिखाइए। तो देखिए भाई, ऐसी वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब मैं गाड़ी चलाऊंगा, फ़िलहाल मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, तो उसका कुछ कारण है। अब मैं 10-15 दिन बाद गाड़ी चलाऊंगा, तो आपको ये सभी वीडियो मिलेंगी, प्रैक्टिकली मिलेंगी। देखिए ये वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पब्लिक के बीच में आप कोई वीडियो बनाओगे गाड़ी बैक हो रही है या गाड़ी पहाड़ पे चढ़ रही है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आपके लिए ये हम कठोर परिश्रम करेंगे और एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। YouTube पे मिले ना मिले, लेकिन हमारे चैनल पर आपकी वीडियो ज़रूर मिलेंगे आने वाले टाइम में, अगर आप हमसे ऐसी इस तरीके से जुड़े रहेंगे, हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो। और तीसरा क्वेश्चन है बीर सिंगा ट्रक कौन सा अच्छा है लेना। तो भाई वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ट्रक लेना चाहते हो, कितने पास आपके पैसे हैं, कितना आपका बजट है। वैसे तो दो ही गाड़ी बढ़िया चलती है, जानदार गाड़ी जो है लीलैंड और टाटा, ये दोनों गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया होती है माइलेज वगैरह, और इनके पार्ट बहुत अच्छी गाड़ियाँ होती है, चलने में भी कभी भी गाड़ी दाब नहीं मानती है और ना ही कभी इनका जो है पिकअप कम होता है, बढ़िया पिकअप होता है। तो इन गाड़ियों में से, दो गाड़ियों में से आप कोई गाड़ी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वासुदेव रोहितास, गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाइए। देखिए भाई साहब, आप हमारे चैनल पर नए तो हो नहीं, तो आपसे अब मैं क्या कहूँगी। देखिए मैंने अपने चैनल पर फ़िलहाल ही 15-20 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वो इसी कारण से की थी कि आपके बहुत कमेंट आते थे बहुत से लोगों की, भाई आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप ऐसी वीडियो अपलोड कर देते हो फालतू की। तो मैंने उनको गाड़ी चला के दिखाई है और वो भी रोडवेज बस। तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं होता है। तो आपको एक और क्वेश्चन था इसी में कि सेकेंड हैंड ट्रक खरीदने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। देखिए जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे, ट्रक पुराना ट्रक खरीदने जाओगे, तो मैंने टैंकर ज़्यादा चलाया हुआ है, तो टैंकर का उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए पुरानी गाड़ी एक तो आज के टाइम में ज़्यादा होती नहीं है, 8 या 10 साल में जो है गाड़ी को निकाल लेती है कंपनी। एक डिपो की बात करूँ तो मैं 10 साल में गाड़ी को निकाल देती है, 10 साल में गाड़ी को क्या पुराना होता है, देखिए कुछ पुराना नहीं होता है ज़्यादा। तो उसके अंदर फिलहाल जब भी आप पुरानी गाड़ी लेते हो, तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ, तो इन चीज़ों का आप जो है ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताना कमेंट में कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है, सबसे पहला जानना तो ये ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको सब कुछ पता है कि भाई गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, जब साइलेंसर अगर टूटा हुआ है तो उसकी कैसी आवाज़ आती है, इंजन की कैसी आवाज़ आती है, या फिर ब्रेक का कैसे आवाज़ आती है, क्लच कैसे ख़त्म हुई होती है, क्लच कैसे ख़राब होती है, वो सब आपको पता चल जाएगा जब गाड़ी की सीट पर बैठेगा। देखिए कोई भी गाड़ी को बेचेगा तो उसको एक अच्छी चीज़ बताएगा कि हमारी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, इतने साल से चल रही है और इतने चक्कर लगाती है, इतने दूर दूर चक्कर लगाती है, इतना पैसा कमाती है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। लेकिन वो ये सब बातें क्यों कहेगी, क्योंकि उसको गाड़ी बेचनी है और आपको ख़रीदने के लिए उसमें 100 कमी आप देखोगे कि कोई कमी तो नहीं है गाड़ी के अंदर। देखिए जब भी कोई गाड़ी को बेचता है तो उसके सारे टायर, सारा टूल,
गाड़ी को पूरी तरीके से खाली कर देता है, उसमें पुराने टायर डाल देता है, हर चीज़ उसमें घटिया चीज़ डाल देता है जब गाड़ी को बेचता है। सीधी सी बात तो यह है। और लोहे का कुछ पुराना और नया नहीं होता है, पार्ट खराब हो गया तो दूसरा डल जाएगा, वो नया का नया हो जाएगा। अब आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी को चला के देखोगे, अगर आपको नहीं आती है तो किसी और के लिए जो गाड़ी को चलाता है, सीट पे बैठते ही बता देगा क्या इसमें गाड़ी में क्या क्या कमी है और कैसे कैसे इसको जो है ठीक करा जा सकता है, कितने इसमें पैसे लगते हैं। अब किसी का इंजन ही चला गया हुआ हो तो उसमें बहुत पैसे लगेंगे, क्लिच प्लेट ख़त्म हो गए तो 25,000 रुपये लगेंगे, बताइए। तो गाड़ी को ख़रीदना और बेचना मुश्किल काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो इसको बेचने और ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा हुनर होना चाहिए आदमी के अंदर, क्योंकि गलत चीज़ आप लोगे तो फिर बहुत नुकसान आपको मिलेगा। और एक क्वेश्चन था हमारे भाई का, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जो मैंने